बट ये टॉपिक ते ना पूरे यूट्यूब ते मेरा ओपन चैलेंज है पूरे यूट्यूब ते ये टॉपिक ते कोई वीडियो ही कहना हो से ऐसा इंटरव्यू जो आज मैं करने वाला हाँ जो स्टोरी में थोड़ा शेयर करने वाला हाँ था मेरा ओपन चैलेंज है पे पूरे यूट्यूब ते ना ये टॉपिक ते कोई वीडियो ना मिल सके। अच्छा प्यारे भाई मैं तो ये दसो ये गन्ना मेला ले किवें माड़ किंदे पे यादगार पुजते पे वे यादगार तकरीबन 2017 तकरीबन गालबन सीजन है असा 16-17 मैक्सिमम हर चक्कर वारी लाइन लगते रह गए 16-17 समझो दो हफ्ते ना ये लाइन लगते खड़े रह गए। इतने प्यारे भाई हूँ तो लाइन जिम्मे लगे खड़े हुए तो ई टाइम क्या क्या मुश्किल आता है 2017 को छोड़ ऊँडे सब हमें 17-17 दीवारा ही लाने लगे खड़े रह गए लेकिन तो और जड़े दीवारे वर्ड गुजरते हैं तो घाटे च वेने इन्हें को नुकसान थे नहीं फायदा कहना थे नहीं ई टाइम तक क्या क्या बहुत मुश्किल पेश आने पर लाइन जो लगे खड़े हुए इतनी सर्दी वर्ड इतनी सर्दी है तो यकीन मनो ई टाइम इतना खड़ा भी नहीं बनी पे लेकिन वर्ड इतना रात ही थी गुजार वेने बाजू रात मैं तो अपनी मुश्किल दसो ई टाइम तक क्या मुश्किल थोड़े सामने खड़े हैं रोड के उत्ते बिल्कुल सब तो पहली मुश्किल देखो कि होटल सारे कने कितना दूर है बिल्कुल ठीक है रोटी की मुश्किल है बाकी वर्ड सा हम जो मेन सवाल है वो है हादसे की वजूहत क्या है ठीक है क्योंकि वर्ड अजकल ना रोड से हादसे बहुत ज्यादा थे पैन सर्दियों के वर्ड हर साल वर्ड थोड़ी सोच वर्ड कितने नौजवान शहजादे या रोड से हादसे की वजह को फौत थी वन ठीक है वर्ड इन वजूहत बाकी वर्ड से वीडियो बनाने का मकसद थोड़े ना एक नवी स्टोरी शेयर करना है नव तो कल्चर दिखावन है ठीक है बाकी क्या ले वर्ल्ड ठीक हो खुश हो मैं हम दशर मलिक तो सो लेते पे हो यूट्यूब चैनल डिशन मुंडा बेस्ट मिला पढ़ के वर्ड्स आज का नवा तो मज़ेदार व्लॉग करने पे शुरू तो आज का वर्ड असा व्लॉग अपना शूट करने कितने ना पिछो तो देख सकते भाई एक वर्ड ट्रैक्टर ट्रॉलिंग लाइने लगे खड़े वर्ड अभी वीडियो असा शूट करने कितने ना अपने शहर की शुगर मिल साइड से आए वे हैं ठीक है वर्ड साढ़ा अज का व्लॉग ना बहुत इंटरेस्टिंग क्योंकि वर्ड अज के जो व्लॉग ना जो ट्रॉले के लाइने लगे खड़े तो जो ड्राइवर हजरात हैं वर्ड अज अस इन्हें को इंटरव्यू करसूँ इंटरव्यू भला कहता क्योंकि वर्ड से जड़े गन्ना इन्हें को अज ये पूछसूँ इन्हें को क्या क्या फायदे थे क्या क्या इन्हें मुश्किल पेश आने क्या क्या इन्हें को जड़े गन्ना लोड करके ठीक है गन्ने जड़ा लोड करके फातिमा शुगर मेले चेन इन्हें को क्या क्या मसाइल पेश आने जो अहम साने को अज सवाल हो सो सा सवाल ये हो सर्ड तो दिखा सर्दियाँ इतना एक्सीडेंट हादसा बहुत ज़्यादा थे वर्ड इन्हें को पूछूँ हादसा के वजूहत क्या होने क्या परहेज करना चाहिए क्या चीज़ को एहतियात करनी चाहिए जिन्हें वजह को इतने हादसा को बच्चा निकल वर्ड सर्दियाँ अक्सर इवें थे हादसा बहुत ज़्यादा थे वर्ड पता नहीं कितने नौजवान ठीक है शहजाद ये दुनिया को रुख थी चुके हैं या जो सर्दियों के रोड से हादसे थे ठीक है वर्ड साढ़े अपने भी कई हैं रिश्तेदार तालुकदार जिन्हें साढ़े काफ़ी करीबी हैं वर्ड्स वो भी इन दुनिया तो ना रुखसत थी चुके हैं वो ही जो ट्रैक्टर ट्रॉले के लाइना लगते हैं इवें एक हादसे कई थे कहीं नहीं थे वर्ड्स कई साढ़े करीबी इन्हें हादसे की वजह को इन दुनिया तो रुखसत थी चुके हैं बट ये टॉपिक ते ना पूरे यूट्यूब ते मेरा ओपन चैलेंज है पूरे यूट्यूब ते ये टॉपिक ते कोई वीडियो ही कहना हो से ऐसा इंटरव्यू जो आज मैं करने वाला हाँ जो स्टोरी में थोड़े शेयर करने वाला हाँ था मेरा ओपन चैलेंज है पे पूरे यूट्यूब ते ना ये टॉपिक ते कोई वीडियो ना मिल सके अभी वीडियो शुरू करने पहले यूट्यूब चैनल डिजिटल मुंडे को सब्सक्राइब कर दे शुरू करते पे अभी मज़ेदार वीडियो ते व्लॉग ते प्लस इंटरव्यू ठीक है वर्ड जो होने ड्राइवर हजार तो वर्ड एक करते लापरवाही वर्ड जो गड्डी रोड से निकलते ये ट्रैक्टर ट्राली वर्ड इन वर्ड जो इतने मन गन्ना लोड थे होने तो वर्ड ट्रैक्टर देना ब्रेक समझो 100 ना 20% ब्रेक नहीं तो काम करते नहीं तो ब्रेक का काम ही क्या नहीं करते तो कुछ मदद की गल है ना अफसोस की गल दसा लेकिन वर्ड ड्राइवर करने लापरवाही ए वर्ड गड्डी उत्तर चढ़ाई वेन उन्हें को रस्ता नहीं मिलता ये कढ़ी वेन वर्ड या तो सैड मार रहे हैं ठीक है या वर्ड तले कुचली वेन जिन वजह को वर्ड काफ़ी नुकसान थे कितने जाना वेन इन्हें भी नौजवान नस्ल वर्ड फौत थी है बाकी वर्ड वो अपनी सफाई में क्या देने वर्ड जो हैंद को पता करते हैं वर्ड वो अपने आप को जिम्मेवार खड़े से नहीं कहना उल्टा सा कोई उन्हें बुरा भला आखने के तुस्सा ही लापरवाही करते भी या ऊँ करते भी बाकी वर्ड उन्हें को फुल फुल सही अपनी सफाई है क्या आते हैं मजीद उन्हें जल्दी पूछते हैं बाकी वर्ड से वीडियो बनाने का मकसद थोड़े ना एक नवी स्टोरी शेयर करना है नव तो कल्चर दिखावन है ठीक है बाकी वर्ड से कुछ मेरे जो दोस्त दोस्त हैं जेड़े क्या पता इन्हें मेरी गल ही इन्हें ड्राइवर की गल ही नोट करें कुछ मेरे करें थोड़ी एहतियात चा करें क्या पता उन्हें जाना ही थोड़े बच पवन ठीक है क्योंकि हादसा तो बहुत ज़्यादा थे आप अपने काफ़ी करीबे लोगों को टोरी बैठे हैं साकू इस चीज़ का एहसास है बाकी वर्ड दुनियादारी का निज़ाम है
चलता पाया चलता रहा सी। बाकी मेरी वीडियो बनावण नाल ना ये काम रोक सकते, ठीक है। बस वीडियो बनावण का मकसद दिया था को एंटरटेन करना, बाकी बस हर शायद फायदे भी होने नुकसान भी होने पे। वाले ट्रैक्टर ट्रालिया हैं ता ये आजकल की जरूरत, इन्हें बगैर गुजारा चलना क्या नहीं। ये बस एक बार नवी स्टोरी शेयर करने के मैं वीडियो क्रिएट करना पाया। वर्ष जो सब पिछले मिल देते पे वे तो यह एक मिसाल है पे। वर्ष इन्हें फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। वर्ष इन्हें फायदे ये हैं ये मिल की वजह को पता नहीं कई गरीब मजदूर देना घर के चूल्हे जलते हैं, ठीक है। इन अलावा वर्ष साकू ना साढ़े इलाके जो साकू चीनी सही रेट मिल वेंदी है, ठीक है। तो बाकी वर्ष इन्हें नुकसान ये हैं ये मिल की वजह को जो इन्हें वो होने था धुआं। वर्ष तो ये मेरे पैर वगैरह देखो चा वर्ष मैं आप खुद बीमार हाँ पे। वर्ष जो धुआं पास कर देता इतना गंदा जहरीला धुआं होने था उन्हें इतने नुकसान हैं। साड़ी फिजा बच्चे वर्ष इतना कचरा है पे पॉल्यूशन है पाई, ठीक है। साड़ी हवा साफ कह नहीं या मिल दी वजह को वर्ष मैं को खांसी है छाती मेरी एक पकड़ी पी है या एक गंदी हवा को मेरे पैर से ना एलर्जी थी पी है या हवा को मैं इंजेक्शन मेरे खड़े मेरे को आराम नहीं आना पाया नुकसान है, ठीक है। इन अलावा वर्ष अगर ये मिल ना होनी ना ये रोड उत्ते ट्रैक्टर ट्राले के लाइना लगे ना इतने बड़े जी छोटे छोटे पे लाइना लगते खड़े, ठीक है ना। वर्ष ये लाइना इतने लगे ना तो ना रोड के सर्दे जितने एक्सीडेंट थे चांसेस बढ़ते ना अलग ही। वर्ष ये मेल को ना पांच रोड लगते हैं पांच सिंगल रोड, लेकिन वाती वर्ष साढ़े जड़े पास रोड हैं तो सिंगल हैं पे। जो ट्रैक्टर ट्राली टपती है तो पूरा रोड जाम कर रहे हैं, वर्ष पूरा रोड जाम थे तो पिछले वर्ष ट्रैफिक वगैरह तो एक दम गरम गरम पांच रोड लगने के बावजूद वर्ष तुम लाइना पिछले दे पे ट्रालियां इटे वे लाइना एडो लगे खड़े पांच रोड वर्ष लगते हैं, ठीक है। तो बाकी वर्ड हूँ सब कुछ ज़्यादा बोर नहीं से करते हैं चलते हैं हूँ अंधेरा ही एक थी ना पे। ड्राइवर हजरात को जेडे जेडे सवाल हैं इन्हें क्या क्या उन्हें को फायदे थे इन्हें क्या क्या मुश्किल पेश आने तो जो बड़ा अहम सवाल है इन्हीं वजूहत क्या है, ठीक है। जो हादसा सर जितने ज़्यादा थे क्या एहतियात करनी चाहिए सकू वर्ड एक सवाल उन्हें अगो रखे नहीं है देते वर्ड वो सकू क्या मशवरा देने, ठीक है। या उन्हें क्या जड़े जड़े जवाब हैं वो थोड़े शेयर करेने हैं। तो वर्ड सा जो एडो कल्चर है तो इतना ये तो मैं कोई प्रैंक का शूट करता कहने पे जो कैमरा चाहती है मुझे भाई जान ही है उवे वर्ड पहले मैं बेना के भाई को सड़ा माहौल बह हिसाब से था पहले परमिशन खेलनी पोसी अगर वो ज़्यादा दे सकता वर्ड मैं उन्हें इंटरव्यू उन्हें कर सकता। बाकी वर्ड ये था शहर वाला निज़ाम कह नहीं क्योंकि वर्ड साढ़े इलाके ना जितना कैमरा कोई चाहती वादा हो तो कुछ चंगा नहीं समझा भी ना वो आते पता साढ़े इलाके जरा कैमरा चाहती वो तो बुरी नजर में दिखा भी नहीं। बाकी बार चलते हैं हूँ उन्हें को ठीक है इंटरव्यू उन्हें तक करते हैं देखो क्या पढ़ते। फाली वर्ड साको दो भाई मिल गए, ठीक है। चाचा थी गए डूबिया नाल भाई थी गए वर्ड जिन्हें तो अगो असा एक सवाल रखे जड़े सवाल साढ़े लैन है चल, ठीक है। अज वर्ड एक साढ़े सवालों के जवाब असा गिनसो इन्हें को क्योंकि वर्ड तो मैं पहले आख्या इन्हें को एक तो पूछूँ क्या क्या इन्हें को फायदे थे क्या क्या इन्हें को मुश्किल पेश आने वर्ष जो गन्ना लोड थी इतनी सर्दी है गन्ना लोड करके जो वर्ष घिन के आने मेल को इंट्री को पहले वर्ष रोड से लाइना लगते हैं इन्हें को क्या क्या मुश्किल पेश आने क्या है प्रॉफिट को समा गिनते हैं, ठीक है जी। इन्हें इन्हें अलावा सा मेन सवाल इन्हें को होती था वो होती हादसे के जो अजकल एक्सीडेंट थे पर इन्हें वजह को उन्हें वजूहत क्या है एहतियात करो जो हादसे को बच सकते हैं। प्यारे भाई क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम रबानी। गुलाम रबानी। गुलाम रबानी। अच्छा प्यारे भाई मैं पहले नंबर ये दसो तो ये फील्ड आए हुए कितना अरसा थी गया कितने साल तो ये फील्ड आई वे पे? मैं को जाती जो अरसा थी गया तकरीबन पंजवा साल है बकाया पंजवा साल पंजवा साल वर्ड पांच साल चंगी भली हैसियत रखे ने वर्ड पांच साल है ना तो ये समझो एक स्टूडेंट पूरा डॉक्टर बाढ़ में पांच साल चंगी भली हैसियत रखने ठीक है पांच साल ठीक है पांच साल थी गया उसके बाद सारा अबू भी काम करें अबू ही काम करें और सारा जरा दादा ही वो भी काम करें मतलब वर्ड ये पिछो ने जो नस्ल आनी पी है तो वो ही फील्ड है खेती बाड़ी जगी पुछते जगी पुछती वर्ड ये मतलब ही फील्ड है जन चलो वर्ड ये भी सही थी गया ये मतलब सारे जो सवाल हैं तो उन्हें सही सही जवाब हतो सा मिल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर थी कि मिल सकते। अच्छा प्यारे भाई मेरे को ये दसो ये गन्ना मिल वाले कि माण गिनते पे 405 रुपये हुकूमत का रेट है तकरीबन 2 रुपये रोड टैक्स है 493 रुपये 493 रुपये और 493 रुपये ये पूरे इलाके च रेट यह चलता पे या फर्क होने जिम्मे हूँ ई मेल 423 रुपये बाय मेले यह रेट चलता पे ये गेट एल पी का फर्क होंगे जो गेट है 425 रुपये तो एल पी जो रेट है वो 465 रुपये ट्राली खड़ी है तकरीबन एक गन्ना कितनी मण उतने लोड कितनी 500 मण तकरीबन अंदाजा
500 ਮਾੜੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਉਸ ਇਤਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.5 ਲੱਖ 1 ਲੱਖ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ 2 ਲੱਖ ਤੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਨਾ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਵੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁੱਕਵੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਮਾਣ ਗੰਨਾ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਮਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਕਿਰਾਇਆ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ 25 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੇਟ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ 35 ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਹ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦਾ ਕਰਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀ ਆਇਆ ਪੈ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਇਵੇਂ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵਿਵਰਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਥੀਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ 500 ਮਣ ਗੰਨਾ ਲੋਡ ਤੇ ਮੈਨੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਅਪਲੋਡ ਆਉਣਾ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਕਰ ਦੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟੱਪੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਾ ਹੁੰਦੇ ਰੋਡ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕਿੰਦਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰ ਟਰੱਕ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਿੰਗਚੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਲੱਗ ਵੀ ਕੋਈ ਡੰਟ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਬਹਰ ਲਾ ਤਦਾਦ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਲੋਡ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਇੰਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਖੜੀਏ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣੇ ਵਰਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਸੀਨ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ 16 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ 16 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਵਰਡ 16 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਲੈਣ 'ਚ ਫਸ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਦਾ ਗੜਧਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ 5 ਰੋਡ ਵਰਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਗੜਧਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਵੇ ਯਾਦਗਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਲਬਨ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸਾਂ 16-17 ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਰ ਚੱਕਰ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 16-17 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਤ ਇਹ ਸਮਝੋ ਡੂ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੈਣ ਜੋ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਵਰਤ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਦੇ ਪੈਣ ਹੁਣ ਵਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਸ਼ ਘਾਟੇ ਪਿਆ ਰੋਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਏ ਇੰਟਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇਜ ਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਰਤ 2017 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੇਨੇ ਪੈਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 17-17 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈਣ 'ਚ ਫਸੇ ਵਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਆ 17 ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੇ ਚੌਕੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਇਆ 17 ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜਨ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 17 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵਰਸ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਦਾ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਰੁਪਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡੇਲੀ ਵਾਪਸ ਵੰਜਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਮਿਲਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ 2017 ਕੁਛ ਛੋੜ ਉਹ ਦਿਵਾਰ ਉਸ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਭ ਹਮੇ 17-17 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰੇ ਵੱਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਵਰਤ ਇਤਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਲੱਪੇ ਲੇਕਿਨ ਵਰਤ ਇੱਥੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਵੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਰਾਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੱਸੂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹਨ ਬਿਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ रोटी इतनी बड़ी मुश्किल अगर जितना आसो पास होना जो होटल है काफी दूर है अपनी ट्राली ट्रैक्टर छोड़ के भी सकते ठीक है एक तो रोटी की मुश्किल थी गई सुनसान जाए कला छोड़ के तो सब बिल्कुल ही नहीं बन सकते बिल्कुल और उस तो बाद देखो रोड ट्रैफिक आँदी वही पे स्पीडो स्पीड सारा कट्टा मिट्टी सारी धूड़ के बैठे हैं तो उस तो बाद सर्दी ठंडी हवा तुम्हारे सामने तो आप फील करें खड़े हो सब क्या गुजर मैं तो कपड़े दसा इतनी सर्दी है तो इतना मेरे हाथ ना सही काम ही क्या नहीं करते पे ठीक है इतनी इतना सर्दी है ठीक है उस तो बाद जब तक सारी एंट्री नहीं थी उ तक असा एक मिनट भी सम नहीं सकते जागदा रहने समझो असा तो चौकीदार हैं अलर्ट रहने हर टाइम बहरहाल मुश्किल चार बजे के जा छोड़न छह बजे के जा असा खड़े हैं सही और भावे और पन चार बजे भावे छह घंटे बाद ही ट्राली टूरे था ठीक है ए थई खड़े ने इड्डे तो उड्डे नहीं मार सकते अपनी ट्राली कल ही छोड़ के अच्छा जी जी बिल्कुल मतलब ये मुश्किल है बस एक अगर तवज्जो कितनी वजे तो ये मुश्किल काफ़ी सख्त हैं इतना वर्ष रोड ते खड़ के ना डे खड़ के रोजी करना आसान कह नहीं या इतना वर्ष जो रोटी है निदाम ही था जितना ना हो सुनसान इलाके करना बहुत मुश्किल होने ओ मेरे भरा समझ सकते हैं जेड़े इन्हें एक टाइम ही उन्हें फेस किया या ये फील्ड जो भाई हैं तो समझ सकते बाकी जो तो मम्मी डैडी वो तो आखिर भाई ये तो इवें उवें लेकिन एक काम काफ़ी मुश्किल है पे काश्तकारी वाला बाकी वर्त ये तो हम पे इन्हें मुश्किल पेश हैं ठीक है पहले फायदे जड़े हैं कितना माड़ कितना लोड करते हैं ठीक है क्या रेट नीचे ने पहले तो वो पूछते हैं हूँ वे इन्हें मुश्किल ने अपने वो दसे बाकी वर्त सा हम जो मेन सवाल है वो है हादसे की वजूहत क्या है ठीक है क्योंकि वर्त अजकल ना रोड से हादसे बहुत ज़्यादा थे पे सर्दियों की वर्त हर साल वर्त थोड़ी सोच वर्त जितने नौजवान शहजादे या रोड के हादसे की वजह को फौत थी वन ठीक है वर्त इन वजूहत जड़े हैं वो इन्हें को पूछते हैं बाकी वर्त ज्यादा बेटा जाती अंदाजा है तो वर्त अक्सर ड्राइवर करें लापरवाही ठीक है वर्त जो ट्राली तो गन्ना लोड थी होने तकरीबन वर्त 500 मानू तो जो गन्ना लोड थी होने तो वर्त ब्रेक होने ता 100 में 20% काम करते इवें है तो भैया ब्रेक सही कह नहीं लगता नहीं ब्रेक सही होती है तकरीबन इतना हैवी लोड करके ब्रेक लापरवाही कोई नहीं करता लेकिन असल जी मेन वजह 500 मन वजन जो होंगे ना स्पीड है तकरीबन कम अज कम 30-35 की स्पीड है उस टाइम कंट्रोल करना मुश्किल होंगे क्योंकि एक रोकना बहुत मुश्किल होंगे हैवी वजन होंगे रुकते रुकते काफ़ी टाइम लग मैंने हादसे की एक वजूहत है बढ़ते तो दूजे वर्ड मैं जो सैला पियामी ये जो होने तो वर्ड अजकल फोन धुंधा बहुत ज़्यादा रात के टाइम ठीक है वर्ड धुंधा थी ना ये वर्ड ये वे होने 30-40 की स्पीड थोड़ी 30-40 स्पीड होनी है तकरीबन ज़्यादा ज़्यादा 30-35-40 मुश्किल होनी है मतलब 30-35 स्पीड होनी वर्ड ये वे पे सुकून सुकून वर्ड एक तो इन्हें पिछले कोई लाइट कहने लगी हुई होनी ये वर्ड बाद जो धुंध पी खड़ी होनी ज़्यादा पता नहीं लगता वर्ड उ सिंगल रोड जो वी होने पूरा रोड मली वी होनी ट्रैक्टर ट्राली ठीक है ये अपना सुकून वेने पे होने लेकिन वर्ड जड़े ना पिछो गड्डी आनी पी होनी तो उन्नी तकरीबन स्पीड होनी है 70-80 वर्ड वो थोड़ा जो अपनी जो नज़र थी उन्हें निगाह ना पी वर्ड वो आई पिछो लगद थुकी वेनी है ठीक है वो वर्ड एक तो वो हादसे की वजूहत बढ़ तो दूजे वर्ड जो है ड्राइवर थोड़ी जी लापरवाही करें जो है नहीं तो वर्ड इतना वजन होने था ब्रेक इन्हें गड्डिया के सौखे नहीं लगती जुड़े 5 मिनट तक इन्हें लोड थी वो उन्हें ठीक है लेकिन वर्ष दुनिया ज्यादा निजाम चलना पाया बाकी मेरी ये वीडियो ब्राह्मण लाल ये रुक सी का कहना क्योंकि वर्ष ये है कि तक एंटरटेन करनी कितनी वीडियो बड़ी मिली पी है ठीक है वर्ष सारे यहाँ सवाल हैं जो मेरे जहन चल तो काफ़ी सारे साढ़े इलाके जिन्हें जहन चल जो मैं मालूम करने आई ठीक है तो बाकी वर्ष ये वीडियो बनाने का मकसद ही है तो एंटरटेन करना बाकी वर्ष हर चीज़ के फायदे भी होने नुकसान भी होने वर्ष तक मैं मिसाल छोटी जी दी है मिल दी ठीक है वर्ष ये मिल है इन्हें फायदे भी हैं फायदा वर्ष मिलता ये इतना कई गरीबे दे मजदूरे देना घर चूल्हे बलते हैं ठीक है तो साकू साढ़े इलाके जी चीनी मिलते सही कीमत मिल गई लेकिन वर्ष नुकसान ये जो जहरीला धुआं फैले नहीं है वो साढ़े कितने नुकसान है ठीक है वर्ड हर शायद फायदे नुकसान इवें वर्ड इन्हें फायदे भी बहुत ट्रैक्टर ट्राले के जितने होने का तो बाकी वर्ड प्यारे भाई मैं कोई दसो आई तो पहले नहीं तो तुस्सा मेरे को बिठा हो जाए कि थे बिल्कुल तुस्सा कितने मेरे को बिठे पहले साड़ी पहली मुलाकात आई जी बिल्कुल वर्ड ये दसण का मकसद है क्योंकि वर्ड अक्सर लोग बड़े दो नंबर इंटरव्यू मतलब कहीं चाचे मामे को नाल खड़ा के भाई इवें वैसा तो आकू आखसो तुसा इवें आख लेकिन वर्ष सारी वीडियो यही कहनी पड़ी हुई असा इंटरव्यू किते बकायदा
वर्ते साडे साडी खुशकिस्मती इने सा को अपना कीमती टाइम दिते सा को इंटरव्यू दिते बाकी वर साडे इलाके च ना ई चीज को चंगा कहनी समझा ने इवे है कहला जे बिल्कुल इवे है सही है पर जेड़ा ई सा को दे थे ता ओ खेल के डो लंगा ने को ई चीज ये ना साडे सराकी कल्चर है या साडे माहौल है ना ई चीज को चंगा कहनी जांदे बाकी प्यारे भाई बड़ी मेहरबानी जनाब अल्लाह पाक कभी बड़ी मेहरबानी इने अपना कीमती टाइम दिते बाकी वर इत्ता में को उम्मीद कहने के कोई सा को भी इंटरव्यू देसी ई जो सा कल्चर है बाकी वर्ड चलते हैं वीडियो करते हैं थे एंड।